अस्सलामुअलैकुम एन न्यूज़ के साथ मैं हूं निम्रा अहमद। शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से अहम हेडलाइंस। कुंदिया की बेवाएं गुज़िश्ता 6 साल से महकमा रेलवे की नाअहली की वजह से पीएम पैकेज के तहत मिलने वाले प्लॉट से महरूम। तफसीलात के मुताबिक वक्त बीबी बेवा मोहम्मद इकबाल और रशीदा बीबी बेवा बशीर ने कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब में मीडिया को बताया कि उनके शोहर रेलवे में मुलाजिम थे और दौरान सर्विस वफात पा गए थे। हमने पॉलिसी के मुताबिक पीएम पैकेज के तहत मिलने वाले प्लॉट्स के हसूल के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन गुज़िश्ता 6 साल से धक्के खाने पर मजबूर है। महकमा रेलवे की तरफ से हर बार फंड ना होने का बहाना बनाकर तरखा दिया जाता है। अगली खबर शामिल करेंगे। कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक की खसूसी हिदायत पर SHO थाना राखीगांज हबीब खान लगारी की ईरानी डीजल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक SHO हबीब खान लगारी ने 60 लाख रुपए मालियत का 45,000 ईरानी डीजल से भरा टैंकर पकड़ लिया है। ईरानी डीजल बलूचिस्तान से पंजाब मुल्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। अगली खबर शामिल करेंगे। कश्मीर के करीब बडानी में मियानी पुलिस का नौजवान के कपड़े उतारकर इंसानियत सोज तशद्दुद। तफसीलात के मुताबिक कश्मीर के बडानी में मियानी पुलिस के खिलाफ खवातीन ने बच्चों के साथ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहा कि पुलिस ने हमारे नौजवान इस्माइल भुट्टो को गिरफ्तार करके कपड़े उतारकर तजलील का निशाना बना डाला। उन्होंने कहा कि पुलिस दरिंदगी का नया मिसाल कायम करते हुए खवातीन के सामने नौजवान के कपड़े उतार कर इंसानियत सोज तशद्दुद कर रही है। मुजाहिरीन ने कहा कि हमें डर है कि पुलिस हमारे नौजवान को किसी जाली मुकाबले में कत्ल न कर दे। एन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए एन न्यूज़। इसके अलावा आप हमें हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।